प्रश्न संख्या 70, जिसमें एक परिस्थिति दी गई है और आपको परिस्थिति के अनुसार सर्वाधिक उचित निर्णय लेना है कि आप किसी मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक हैं। एक दिन आप पाते हैं कि कनिष्ठ चिकित्सकों में से एक अपनी ड्यूटी पर आने में देर कर रहा है और इस कारण एक शल्य क्रिया विलंबित हो चुकी है। आप जानते हैं कि कनिष्ठ चिकित्सक के पिता दुर्घटना के बाद निकट के एक अस्पताल में अपना उपचार करवा रहे हैं। शल्य क्रिया वाले रोगी का जीवन खतरे में है। ऐसी स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? विकल्प ए, आप तत्काल कनिष्ठ चिकित्सक को कारण बताओ नोटिस जारी कर ड्यूटी की रिपोर्टिंग में विलंब के कारण के बारे में पूछेंगे। विकल्प बी, आप निकटवर्ती जिले के एक चिकित्सक की सहायता लेंगे और अति शीघ्र शल्य क्रिया करेंगे। विकल्प सी, आप कनिष्ठ चिकित्सक से तुरंत शल्य क्रिया करने हेतु तो आग्रह करेंगे, बाद में उसके विलंब से आने के कारण के बारे में पूछेंगे। विकल्प डी, आप कनिष्ठ चिकित्सक के विरुद्ध जिला चिकित्सा परिषद में शिकायत दर्ज कराएंगे। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम विकल्पों पर विचार करें, विकल्पों का विश्लेषण करें, तो पता चलता है कि विकल्प ए और विकल्प डी दोनों ही उपयुक्त विकल्प नहीं हैं, बल्कि सही कार्यवाहियां सही विकल्प बी और सी हैं कि निकटवर्ती जिले के चिकित्सक की सहायता लेना और कनिष्ठ चिकित्सक से तुरंत शल्य क्रिया करने हेतु आग्रह करना, इससे वो शीघ्रता से लौटे आ चुका हो तो तुरंत कार्य करे, यह उचित विकल्प हैं, क्योंकि विकल्प ए और डी खारिज किए जा सकते हैं। क्योंकि जब ये पता है कि कनिष्ठ चिकित्सक के पिता का दुर्घटना के बाद उपचार हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कनिष्ठ चिकित्सक वहीं रह गया हो, इस कारण आ पाया हो, कोई व्यवस्था रही हो, कोई आपात स्थिति आ गई हो, तो ऐसी स्थिति में विकल्प ए और डी दोनों ही सही कार्यवाहियां नहीं हैं, बल्कि सही कार्यवाहियां विकल्प बी और सी हैं।